नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे बात करूंगा यूरोलॉजिस्ट के बारे में। सो यूरोलॉजिस्ट एक तरह के सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं जो यूरिन सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट दोनों तरीके का हो सकता है, सर्जिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट। सो यूरिन सिस्टम में क्या क्या आता है? यूरिन सिस्टम में किडनीज आती हैं, उसके नीचे पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर आता है। इन दोनों के बीच में दो ट्यूब होती हैं जिनको हम यूरेट्रस कहते हैं। इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे जो यूरिन का एग्जिट पाथवे होता है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। मेल्स और फीमेल्स में ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। सो दोनों तरह के डिसऑर्डर्स, इसके अलावा जेनेटल डिसऑर्डर्स जैसे टेस्टलर डिसऑर्डर्स हो गए या फिर पिनाइल डिसऑर्डर्स हो गए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गए, तो ये सारा एरिया जो पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट है, जेनेटल यूरिनरी ट्रैक्ट, ये पूरी यूरोलॉजिस्ट के अंडर आती है। सो जो मैंने आपको ऑर्गन्स बताए, इनकी अलग अलग तरीके की डिजीज़ हो सकती हैं और ये डिजीज़ अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि यूरिन में जलन होना, यूरिन का फ्लो कम आना, पेट में दर्द होना, यूरिन में ब्लड आना। ये सारी जो चीज़ें हैं ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो यूरिन सिस्टम की बीमारी को इंडिकेट कर सकते हैं। जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनका जो एज ग्रुप होता है ट्रीटमेंट का वो भी बहुत बड़ा होता है। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, जो बच्चों में पैदाइशी यूरिन ट्रैक की अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जैसे पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रिफ्लक्स डिजीज़ हो गया, बनावट जिनकी वजह से यूरिन प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, वो सारी डिजीज़ यूरोलॉजिस्ट के परव्यू में आती हैं। इसके अलावा जो बच्चों में टेस्टिस के ट्यूमर्स होते हैं या टेस्टिस की प्रॉब्लम होती है, टेस्टिस में सडन ऑनसेट पेन हो गया, टेस्टलर टॉर्जन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये सारी डिजीज़ भी यूरोलॉजिस्ट के अंडर ही आती हैं। एडल्ट्स में कॉमनली प्रोस्टेट डिसऑर्डर्स जो होते हैं, एल्डरली लोगों में, एडल्ट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, रिकरेंट यूटीआई की प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये सारी डिजीज़ जो हैं ये यूरोलॉजिस्ट के परव्यू में आती हैं। कहने का मतलब है कि जो यूरिन सिस्टम से रिलेटेड या जेनेटल सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं ये सारी यूरोलॉजिस्ट ही कवर करते हैं। सो अगर आपको इनमें से कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तब आप किसी यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। धन्यवाद।